हेलो फ्रेंड्स, उन्नति कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा ये वीडियो होगा स्पोर्ट्स के ऊपर, खेल कूद से संबंधित पूछे जाने वाले बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जनरली आपके एग्जाम में एक से दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके हर एग्जाम में ये आपको देखने को पक्का मिलेंगे। खिलाड़ी दिन रात मेहनत करते हैं, आपसे भी कई अधिक। अगर मैं आपसे बात करूं कि खिलाड़ी काफ़ी अधिक मेहनत करते हैं, आपसे भी कई ज़्यादा, तो ये गलत नहीं होगा। वो दिन रात प्रैक्टिस करते हैं, काफ़ी लाइट डाइट लेते हैं और डाइट के अलावा अपनी एक एक चीज़ पे काफ़ी फोकस करते हैं और प्रैक्टिस करने के बाद में वो कोई कप जीत के लाते हैं भारत के लिए। तो अगर वो इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद भी किसी न्यूज़पेपर में, मैगजीन में या फिर आपके एग्ज़ाम में डिस्कस ना हो, तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है क्योंकि उनके सेक्रीफाइस को उस क्वेश्चंस के माध्यम से याद करा जा सके। आपने देखी होगी मूवी भाग मिल्खा भाग, आपने देखी होगी मूवी धोनी सिंह, सचिन के ऊपर जो मूवी बनी थी वो आपने देखी होगी, या फिर आपने देखी होगी दंगल मूवी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, आप समझ गए होंगे कि एक से दो क्वेश्चंस आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर ये बुक आपने मार्केट से परचेज नहीं करी है और आपने अब तक इसके प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, बुक तो है लेकिन आप पहली बार इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा आप वीडियो जीके की प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको इस बुक से संबंधित तमाम जितने भी वीडियो मिलते हैं उन सबको वॉच करना और हाईलाइट करना, हाईलाइट के साथ में 3 से 4 बार उसको रिवाइज करना। वीडियो को केवल एक बार वॉच करना है, ठीक है, डाटा की कोई टेंशन नहीं है, तो आप 2 बार वॉच कर सकते हैं, अदरवाइज आप केवल सिंगल बार इस वीडियो को वॉच करना, उसके बाद में हाईलाइट करना और अपनी बुक में से डायरेक्ट उसको रिवाइज करना। बात बहुत अधिक हुई, अब मैं शुरू करता हूँ डायरेक्ट अपना ये वीडियो। देखिए ओलंपिक के बारे में हम कवर करेंगे इसमें। देखिए ओलंपिक जो है, प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ से हुई, कभी कभी एग्जाम में आपसे ये पूछता है, तो यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई। बस आपको इसमें केवल इतना ही याद करना है, उसके बाद में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1924 में, 1924 में क्या हुआ था कि भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष का नाम बताइए, तो ये थे सर जे टाटा, याद रहेगा सर जे टाटा कौन थे, प्रथम अध्यक्ष थे, स्थापना हुई थी 1924 में। और यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में ये प्रारंभ हुआ। बाकी के नीचे की डिटेल आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मैंने हाईलाइट कराया है येलो से, तो यही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार देखा गया है, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। अब मैं आपसे बात करता हूँ ओलंपिक के आदर्श वाक्य जो बने हैं, तो उसमें क्या क्या है आदर्श वाक्यों से संबंधित। देखिए ध्वज की पृष्ठभूमि किस रंग की होती है, मतलब कि जैसे आप ये देख रहे हैं कि पेज है, ये पेज एक्चुअली है किस कलर का, ये व्हाइट कलर का है, तो इस पेज की पृष्ठभूमि क्या हो गई, व्हाइट। तो उसी प्रकार से जो ओलंपिक जो फ्लैग है उसकी जो पृष्ठभूमि है वो वास्तव में किस रंग का है, वो है व्हाइट रंग का, लेकिन सिल्क के बने ध्वज के मध्य में क्या होते हैं, ओलंपिक प्रतीक के रूप में 5 रंगीन चक्र एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए जाते हैं। ये आपको पता होगा लेकिन आपको शायद कलर ना पता हो, तो यह है 5 रंग, सिल्क का ध्वज बना होता है, पृष्ठभूमि इसकी होती है व्हाइट, मतलब कि व्हाइट फ्लैग में ये 5ों रंग प्रिंट होते हैं, ठीक है। नीला चक्र कौन कौन से रंग होते हैं, ये आपसे एग्जाम में स्टेट पीसीएस के जीएस पेपर 1 के एग्जाम में ये पूछ लेता है कभी कभी आपसे कि टोटल कितने रंग होते हैं ओलंपिक ध्वज में, तो वो होते हैं 5 रंग, बहुत ही रेयर चांस है। लेकिन अगर आप किसी स्टेट पीसीएस का मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, वहां पे अगर कोई आप ये मेंशन करते हैं कि नीला रंग इससे संबंधित है, ये चक्र का रंग इससे संबंधित है, तो मेंस में जो आप डिस्क्रिप्टिव लिखने जाएंगे तो वहां पे आपके एग्जाम में 4 चांद लग सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि नीला चक्र यूरोप से संबंधित है, पीला चक्र एशिया से, काला चक्र अफ्रीका से, हरा चक्र है आपका ऑस्ट्रेलिया, एवं लाल चक्र है आपका उत्तर तथा दक्षिण अमरीका से, राइट। अब इसके बाद हम बात करते हैं
मशाल जो जलाई जाती है ना, ओलंपिक मशाल होती है फ्लैम जिसको हम बोलते हैं, तो इसकी प्रथा की शुरुआत कब हुई थी? इसकी प्रथा जो हुई थी स्टार्ट, ये हुई थी 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम ओलंपिक से इसकी शुरुआत हुई थी। इससे पहले जो थी वो मशाल नहीं जलाई जाती थी। इसके बाद से क्या हो गया, 1928 के बाद में हर एक ओलंपिक गेम में जब भी इसकी स्टार्टिंग होगी तो उसमें क्या होगा, मशाल जलाई जाएगी। अब हम बात करते हैं फिलहाल ओलंपिक पदक के बारे में कि इसमें तीन प्रकार के पदक होते हैं। याद रखना ओलंपिक पदक में कितने प्रकार के पदक होते हैं, तीन प्रकार के। कॉमन सी बात है, स्वर्ण, रजत, कांस्य। नंबर वन जो होता है, सबसे हाईएस्ट जो पदक होता है वो होता है स्वर्ण। सेकंड नंबर पे आता है आपका रजत। थर्ड नंबर पे आता है आपका कांस्य। तो मतलब जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड जो प्लेयर होगा, जो फर्स्ट रैंक जिसने प्राप्त करी होगी उसको मिलेगा स्वर्ण, सेकंड वाले को मिलेगा रजत, और थर्ड नंबर पे जो आएगा उसको मिलेगा कांस्य। ठीक है, तो ये नीचे जो हाईलाइट कर रखा है वो आप चाहें तो हाईलाइट कर सकते हैं, अदरवाइज इतना मैंने आपको बता दिया, इतना बहुत है। अब मैं आपसे बात करता हूँ कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो इसमें हम कवर करेंगे 1920 ईस्वी के एंटवर्म ओलंपिक से प्रारंभ हुई थी क्या ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण करने की परंपरा, और ओलंपिक खेल समारोह में शुभंकर की परंपरा किस वर्ष से स्टार्ट हुई थी। तो ये हुई थी 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक से। किसकी शुरुआत हुई थी, शुभंकर की। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष यूएसए के एक तैराक है, एक स्विमर्स हैं, तो उनका नाम क्या, उनका नाम है माइकल फिलिप्स। माइकल फिलिप्स का संबंध किस खेल से है, तो ये है एक तैराकी, एक तैराक है ये, और ये किस देश से संबंधित है, कभी कभी क्वेश्चंस ये पूछ लेता है आपसे, तो आप याद रखिएगा यूएसए से संबंधित हैं, और इनको बोलते हैं गोल्डन शार्क। ठीक है, गोल्डन शार्क के रूप में विख्यात फिलिप्स ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में तैराकी की विभिन्न जो प्रतिस्पर्धाएं हुई थी, जो भी कॉम्पिटिशन हुआ था, तो इसमें इन्होंने 8 स्वर्ण पदक जीते। याद रहेगा आपको कितने पदक जीते इन्होंने, इन्होंने जीते हैं 8 स्वर्ण पदक, और इनको बोला जाता है गोल्डन शेक। लंदन ओलंपिक के बाद फिलिप्स ने ओलंपिक खेल से संन्यास ले लिया। कौन से ओलंपिक खेल के बाद फिलिप्स ने पूरी तरह से ओलंपिक खेलों से संन्यास ले लिया, तो ये थे आपके लंदन ओलंपिक खेलों के बाद में उसने संन्यास ले लिया। उसके बाद हम बात करते हैं कि महिलाओं के ओलंपिक खेलों में भागीदारी 1900 ईस्वी द्वितीय ओलंपिक खेलों से हुई। जो सेकंड जो ओलंपिक खेल हुए थे उसके बाद में महिलाओं ने भी ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। बाकी लंदन ओलंपिक 2012 के बारे में इतना क्वेश्चन सबसे नहीं पूछेगा, लेकिन ये कहाँ पर हुए थे ये आप याद रखना, ये 30वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का प्रारंभ हुआ था ब्रिटेन की राजधानी लंदन में। कहाँ पे, लंदन में हुआ था, कब हुआ था, 2012 में, और किसने कितने स्वर्ण पदक जीते आप चाहें तो ये एक बार देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा मैं इसको, काफ़ी चीज़ें मैं इसमें स्किप करा रहा हूँ कि स्वर्ण पदक किसने किसने क्या जीते, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी, ये हुई थी 1930 में, और 1934 ईस्वी में लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था। कौन से राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पहली बार पार्टिसिपेट करा था, तो ये हुए थे 1934 में, और कहाँ हुए थे, ये हुए थे लंदन में। और उसके बाद में वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों के सदस्यों की संख्या कितनी है, 54 है, लेकिन खेलों में 71 टीमें हिस्सा लेती हैं। कितनी टीमें हिस्सा लेती हैं, 71। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल 2010 के बारे में कुछ विशेष बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए 19वें राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर क्या था, ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में और आगे भी पूछा जाएगा। तो इसका शुभंकर था सेरा, एवं अधिकृत गान मतलब क्या था इसका, इसका जो था वो था जियो उठो बड़ो जीतो। तो इसके संगीतकार कौन थे, AR रहमान द्वारा तैयार किया गया था। तो कभी कभी ये एक्चुअली गान का जो सॉन्ग था जो गाया गया था वहाँ पर, उसका लिरिक्स क्या थे, उसके स्टार्टिंग की लाइन क्या थी वो आपको याद रखनी है, और उसका शुभंकर क्या था, और जो कौन सा नंबर का राष्ट्रमंडल था, राष्ट्रमंडल खेल था, तो ये था 19वां, तो आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे डायरेक्ट कि 19वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत की पोजीशंस क्या क्या रही। भारत के बारे में आप पक्का याद रखना,
क्योंकि ये खेल काफी इम्पोर्टेंट खेल है, ओलंपिक से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट इसको मानती है। यहाँ से काफी क्वेश्चंस पूछता है आपके एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा, निशानेबाजी में 101 पदक एक्चुअली इसने टोटल जीते थे, 101 पदक। तो अगर निशानेबाजी में बात करें तो मैक्सिमम इसने शूटिंग में सबसे ज्यादा इसने पदक जीते, ठीक है। जो निशानेबाजी में इसने स्वर्ण पदक 14 जीते, रजत जीते इसने 11, कांस्य जीते इसने 5, और कुल मिले इसको निशानेबाजी में 30। और सबसे कम किस में रहे, हॉकी और तैराकी में सबसे कम थे, केवल एक ही एक इसको मिला और इसको ज्यादा नहीं मिल पाए, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, सबसे ज्यादा और सबसे कम पे आपको फोकस करना है। और एशियाई खेल का प्रारंभ कब हुआ है, देखिए मैं बात कर रहा हूँ आपसे एशियाई खेल के बारे में, तो एशियाई खेल का जो प्रारंभ हुआ है वो हुआ 4 मार्च 1951 ईस्वी को नई दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। और एशियाई खेल में क्या कंडीशन रही, कितना जीता, कौन विनर रहा, तो जी अब क्वेश्चन इतना नहीं पूछेगा आपसे, तो आप बस केवल इस चीज़ का याद रखिएगा, जो भी वर्ल्ड कप या फिर टेस्ट मैच, T20 वगैरह जो भी होते हैं उन पे आप एक पैनी नज़र रखा करो, जो भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो लास्ट 6 मंथ में क्या क्या खास हुआ वो देखना। और ये एक्चुअली स्टैंडर्ड जीके है, ये फ्लक्चुएट नहीं होगी, इसलिए मैं केवल उतनी ही डिस्कस कर रहा हूँ जो फ्लक्चुएट नहीं होने वालों में से है। तो देखिए, क्रिकेट खेल का जन्मदाता कौन है, फादर ऑफ क्रिकेट कौन है, तो ये है इंग्लैंड। और क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कब हुआ था, ये हुआ था 1877 को। बात करें किस किस के बीच में हुआ था, ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड के बीच में। और कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था मेलबर्न में आयोजित। किस किस के बीच में पहला टेस्ट मैच किस वर्ष हुआ था, और क्रिकेट का जन्मदाता है इंग्लैंड, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद में देखा, बाद में हम बात करते हैं क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है वो कौन सी है, वो है आपका आईसीसी, और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। पहले ये कहाँ पे था, अगर बात करी जाए पहले की, तो पहले था ये लॉर्ड्स में। तो लॉर्ड्स का बहुत ही रेयर चांस है पूछने का, तो आप इसको हाईलाइट नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा, लेकिन आप दुबई को याद रखना। और सबसे सर्वोच्च संस्था कौन सी है क्रिकेट की, ये आप याद रखना, आईसीसी। अब हम बात करते हैं क्रिकेट के बारे में। देखिए, कभी कभी क्रिकेट की शब्दावली वोकैबुलरी आपको एक एग्जाम में एक वर्ड देता है, और ये पूछता है कि ये शब्द किस खेल से संबंधित है, जैसे चाइना मैन, ठीक है। तो अब ये याद रखना। मैं फिर बात करता हूँ परिमाप के बारे में, पिच की लंबाई कितनी होती है, 22 गज की होती है। अगर हम बात करें बॉल का वेट कितना होता है, तो ये होता है 155 से लेकर के 163 ग्राम। ये एक्चुअली वेट से संबंधित एक एग्जाम हुआ था, शायद वो झारखंड SSC का था, मुझे याद नहीं किसका था, वो किसी हरियाणा कलर का एग्जाम था। हाँ, कुछ समय पहले वहां पे इसका वेट पूछा गया था कि क्रिकेट की जो बॉल होती है गेंद का कुल वजन कितना होता है, तो इसी तरह से उसमें लिखा हुआ था 155 to 164 ग्राम। तो यहाँ पे एक्चुअली ये क्वेश्चन अगर आप ढंग से पढ़ लेते हैं, अब सोचेंगे यार कि गेंद का वेट एक्चुअली कहाँ पूछ सकता है, लेकिन पूछता है एग्जाम में, तो इसको आप हल्के में मत लेना किसी भी चीज को। जो भी आपको समझाया जा रहा है, जो आपको हाईलाइट करवाया जा रहा है, वो आपको घोट लेना है दिमाग में अपने। फिर हम बात करते हैं क्रिकेट की शब्दावली कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, वो मैं डिस्कस करूंगा। देखिए, चाइना मैन इंपॉर्टेंट है, तो ये चाइना मैन, और ये ओवर थ्रो, सिली पॉइंट, डेड बॉल, ठीक है। डेड बॉल भी इंपॉर्टेंट है, आपका सिली पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, आपका ओवर थ्रो भी इंपॉर्टेंट है क्रिकेट में, और एक चाइना मैन भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो इन सब का संबंध किससे है, किस खेल से है, तो ये सब शब्दावली है किसकी, क्रिकेट से। अगर मैं आपसे बात करूं एक एग्जाम्पल के तौर पर, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कैलकटा, ये शब्दावली किस देश से संबंधित है, कॉमन सी बात है, इंडिया से। तो उसी तरीके से कुछ शब्द होते हैं जो डेडिकेटली केवल एक गेम के लिए ही बने होते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी कुछ बड़े होते हैं कि दो तीन गेम से सेम मैच होते हैं, लेकिन ऐसा बहुत रेयर चांस होता है कि वो आपको एक वर्ड देगा, उसमें जो जो ऑप्शन देगा ना, तो वो उसमें नहीं होगा। मेरी बात को शायद समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब हम उसके बाद में हम बात करते हैं परिमाप के बारे में, हॉकी के बारे में हम बात करते हैं। हॉकी का पहला संगठित क्लब कब हुआ था स्थापित, ये हुआ था 1861 में। और इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप वगैरह आप देख लीजिएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका है पेनल्टी स्टिक, स्टिक से एक्चुअली हॉकी खेली जाती है, तो स्टिक का हॉकी से संबंध है, ये तो मैंने हाईलाइट नहीं करा क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पेनल्टी भी कॉमन सी बात है। लेकिन स्ट्रोक या स्कूप, ये शब्द किस देश से, ये शब्द किस खेल से संबंधित है, पुशिन किस खेल से संबंधित है, तो ये है आपका हॉकी से, याद रखना। फिर हम बात करते हैं वॉलीबॉल, ठीक है ना। वॉलीबॉल जो है इसका जन्मदाता है
संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आप ध्यान रखिएगा, इसको इसी तरह से अपने हाईलाइट करना है। उसके बाद में फुटबॉल के बारे में बात करेंगे। फुटबॉल का जन्म कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। एक्चुअली मैक्सिमम जो भी गेम है आपके, उन सब का जन्म हुआ था इंग्लैंड में, याद रखना। अगर आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन लगे, अगर आपको लगता है कि इस बुक में मैंने जितना भी ढंग से पढ़ा था मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर आपको ऑप्शन में इंग्लैंड दिखाई दिए तो अपने इंग्लैंड पर ही क्लिक करके आना। लेकिन ये एक तरह से जुगाड़ हो गया जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ठीक है। सबसे अच्छा यही होगा कि अपने एक एक पॉइंट को हाईलाइट करो और याद करो। देखिए फुटबॉल के बारे में कंप्लीट हो गया। अब इसके परिमाप के बारे में तो आपको नहीं देखना है, लेकिन शब्दावली क्या क्या है इसकी फुटबॉल की? फुल बैक, हाफ बैक, थ्रो इन, ठीक है, ये जो वर्ड है आपका। और हो सके तो ट्राई ब्रेकर भी याद कर लो, ट्राई ब्रेकर, थ्रो इन, फुल बैक और हाफ पैंट, इन सब का जो संबंध है वो है किस खेल से? फुटबॉल से, ठीक है ना। हाफ बैक, फुल बैक, टाई ब्रेकर, थ्रो इन। टेबल टेनिस, इस खेल का जन्मदाता जो है वो है इंग्लैंड। कौन है? इंग्लैंड। और खेल शब्दावली कौन कौन सी है इससे संबंधित? तो ये है आपकी हाफ कोर्ट चाइनीज ग्रिप, ठीक है, चाइनीज ग्रिप याद रखना आप, हाफ कोर्ट आप याद रखना। इस ये जो शब्दावली संबंधित है ये है टेबल टेनिस से। फिर हम बात करते हैं बास्केटबॉल के बारे में। देखिए बास्केटबॉल से संबंधित शब्दावली बहुत ही रेयर पूछी जाती है, लेकिन फिर भी अगर आप याद करने के मूड में हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप याद रखिएगा सेंटर लाइन, ठीक है, आप सेंटर लाइन का संबंध किससे है? तो ये है आपका बास्केटबॉल से। और उसके बाद हम बात करते हैं बैडमिंटन के बारे में कि आधुनिक बैडमिंटन का विकास संभवतः कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। आ गया इंग्लैंड अगेन, ठीक है, तो आप इंग्लैंड याद रखना इसका। और इससे संबंधित जो शब्दावली है, वोकैबुलरी जो यूज करी जाती है इसमें, इसमें नेट फॉल्ट एंड डबल फॉल्ट, क्रॉस शॉट, ठीक है, क्रॉस शॉट, नेट फॉल्ट, डबल फॉल्ट, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है बैडमिंटन से। लॉन टेनिस, लॉन टेनिस देखिए अगेन आपके सामने इंग्लैंड आ गया, इसलिए मैंने आपसे बोला कि इंग्लैंड को अब याद रखना। और शब्दावली इससे कुछ भी नहीं पूछी जाती। एथलेटिक्स का जो है आपको केवल इतना याद रखिएगा, शॉर्ट पुट क्या होता है? शॉर्ट पुट एक्चुअली इस खेल में क्या होता है, एथलीट एक धातु की मतलब एक मेटल की हैवी बनी हुई गेंद को हवा में फेंकता है, जितनी दूर वो जाती है उस हिसाब से उसका स्कोर बनता है। तो शॉर्ट पुट आपको पता होगा, वैसे आपने खेला भी होगा ये गेम स्कूल टाइम पे। तो इस खेल की सर्वोच्च संस्था, बात कर रहे हैं कुश्ती की, कुश्ती क्या? दंगल। दंगल मूवी कौन? आमिर खान, गीता बबीता, ठीक है, याद आया। तो इस खेल की सर्वोच्च संस्था कहाँ पर है? ये है आपकी फीला में। फीला की फुलफॉर्म क्या है? फीला की फुलफॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी लॉ लूटे, याद रहेगा आपको। फिर हम बात करते हैं आपसे हीफ, हॉफ नेल्सन, क्रेडल, डबल नेल्सन और हेड लॉक, इस शब्द का संबंध है टोटल किससे? ये है आपका कुश्ती से। और अगर आपने दंगल मूवी नहीं देखी है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये मूवी जरूर देखिए, आपको मोटिवेशन बहुत तगड़ा मिलेगा इससे। और शतरंज के बारे में बात करते हैं। शतरंज मतलब कि शतरंज जो बिशप, गैम्बिट, चेकमेट, स्टेलमेट और पॉन, इन सब का संबंध किससे है? इन शब्द का संबंध जो है वो है शतरंज खेल से। गोल्फ, गोल्फ का मैं केवल आप याद रखिएगा, लाई पूछता है आपसे कई बार, बस लाई पे फोकस करना आप। वाटर पोलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बेसबॉल, बेसबॉल से एक संबंध है आपका डायमंड और पिचर, ये शब्द हैं आपके बेसबॉल से संबंधित। बिलियर्ड्स टेबल, जो बिलियर्ड्स आप देखते हैं ना, सबसे महंगा खेल जो है वो कौन सा है? इसकी टेबल जिसमें खेला जाता है ना, वो टेबल कई करोड़ रुपए की आती है, कई अरब रुपए की वो टेबल आती है। एक्चुअली सबसे महंगा गेम पूछा जाए तो बिलियर्ड्स में ही काउंट होगा। खो खो, खो खो आपने स्कूल में काफी खेला होगा ये, ठीक है ना, कहते हैं चेंज एंड रनर्स, फ्रीजो पॉन एंड चेंज, ये सब किससे संबंधित है? खो खो से संबंधित है। लेकिन खो खो इतना नहीं पूछता है, बहुत ही रेयर चांस है इसके पूछने के लिए। इसको मैं एक्चुअली अगर मैं आपसे अंडरलाइन ना कराऊं तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन फिर भी आपको शायद ये वर्ड याद होंगे, चेंज और रेंस, ये सब आप याद रखना, ठीक है। हाँ, तैराकी के बारे में बात करते हैं कि फ्रंट क्रॉल जो शब्द है वो तैराकी से संबंधित है। मुक्केबाजी बोलते हैं पंच, पंच आपको पता होगा ना, पांचों मुट्ठी बंद करके जो पंच मारते हैं मुंह पर, तो पंच मतलब मुक्केबाजी। मुट्ठी क्या होती है? मुक्केबाजी। तो अपर कट, ये आप शब्दावली जो है वो है आपकी मुक्केबाजी खेल से संबंधित, राइट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिएगा, और आपके जो भी फ्रेंड कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करिएगा।
और अगर आपने अब तक बुक परचेज नहीं करी है तो मार्केट से जाकर बुक को परचेज कर लीजिए, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इस बुक का लिंक दूंगा, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप वहीं से परचेज करें, आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं, जो भी सूटेबल लगे आप वहां से परचेज करिए, ठीक है। और इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं चैनल पर, आप तो पेटीएम के माध्यम से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पेटीएम नंबर आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, ठीक है। तो आप उस पर प्लीज कॉल मत करिएगा, क्योंकि मेरे पास कंटिन्यू बहुत कॉल आ रही है पेटीएम नंबर पे। एक्चुअली कंडीशन ये आ गई कि मुझे नंबर शायद बंद करना पड़ जाए बहुत जल्द से जल्द। इसी के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो डाला था कि कभी भी आप पेटीएम पे कॉल ना करें, कोई भी आपका सवाल जवाब हो उस पर आप मुझे SMS ड्रॉप करें। और पेटीएम के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बच्चे PG में रहते हैं, जो दिल्ली में रह रहे हैं, घर से पैसा मांग रहे हैं, ठीक है, जिनकी पॉकेट मनी काफी सीमित है, वो प्लीज पेटीएम में कैश ट्रांसफर ना करें, वो पेटीएम देने की सोचे भी ना, ठीक है। मुझे पता है कि आप लोग कैसे गुजारा करते हैं, मुखर्जी नगर जैसे एरिया में रहते हैं, 10 रुपए का प्लेट आपको, प्लेट क्या एक्चुअली दोना होता है, एक दोना भर के हल्का सा वो 15 रुपए की प्लेट या 10 रुपए की प्लेट आती है, अभी जो चल रहा है वो रेट चल रहा है मुखर्जी नगर में 15 रुपए का, और छोटी सी 10 रुपए की या 5 रुपए की चाय पी करके 11 बजे के आसपास पूरा दिन वो इस पोहे में और छोटी सी चाय में काट देते हैं। अगर आपका हाथ बहुत टाइट है तो आप प्लीज पेटीएम मत करना। पेटीएम उनके लिए है जो लोग ऑलरेडी कहीं पे वर्किंग है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर पर ही क्यों ना हो, क्योंकि मुझको पता है कि किस तरह से आप लोग गुजारा कर रहे हैं। तो काफी स्टूडेंट मुझे कॉल करके बोलते हैं सर हम स्टूडेंट हैं, यहाँ रहते हैं, हम पेटीएम करना चाहते हैं, तो मैं उनको मना कर देता हूँ। तो मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि अगर आपकी कंडीशन काफी दयनीय दशा है, दयनीय इन द सेंस की ठीक है हाथ टाइट होता है कोई दिक्कत नहीं है, जॉब लगने के बाद में जो हाथ आपका टाइट है वो आराम से खुल जाएगा, अभी स्ट्रगल का टाइम है, स्ट्रगल करो, अच्छी बात है। ये पल आपको याद आएंगे कि किस तरह से हम लोग जाते थे, पोहा खाते थे 10-10 रुपए का, और पूरे दिन हम उसमें काटते थे, फिर रात को हम लोग सिंपल एक बाहर से सब्जी लाके रोटी खुद बनाते थे। ये पल होते हैं याद करने वाले, आने वाले टाइम पे आपको काफी अच्छा लगेगा, ये स्ट्रगल टाइम है, इससे घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, लाइक शेयर सब्सक्राइब वाली फॉर्मेलिटी मैंने पूरी कर दी है, बाकी अब मैंने आप पर छोड़ दिया है। इसी के साथ टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।